please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिन से सत्या ग्रुप के गुड़गांव के ऑफिस में से कोई बाहर नहीं निकला। अरे तो आज गए थे लगभग मंडे ट्यूजडे को आए थे 2 बजे 12 बजे 2 बजे हमारा। ये आज किस टाइम आए? 6 तारीख आज नहीं ट्यूजडे से अभी तक हैं। ट्यूजडे से अभी तक अंदर ही हैं। निकले नहीं। सत्या ग्रुप के ठिकानों पर पड़ा इनकम टैक्स का छापा घर से लेकर दफ्तर तक हर तरफ मचा हाहाकार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सत्या ग्रुप के ऑफिस में जो गुड़गांव के सेक्टर 44 में स्थित है। यहाँ पर आईटी के लोग अंदर मौजूद हैं। मंगलवार को ये लोग यहाँ पे अंदर आए थे। सत्या ग्रुप के घर पे ऑफिस पे एक साथ छापा पड़ा था। मनीष अग्रवाल को आईटी के लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे अपने साथ लेके आए थे। मंगलवार से अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया। आज शुक्रवार का दिन है, अभी तक रेड लगातार चल रही है। गाड़ियों पे देख सकते हैं आप, धूल जम चुकी है। मैं गाड़ियाँ दिखाना चाहूँगा। ऑफिस को अंदर से सील कर दिया गया है। सत्या ग्रुप के मालिक मनीष अग्रवाल भी 3 दिनों से अभी तक गुड़गांव के ऑफिस के अंदर ही हैं। मनीष अग्रवाल अंदर ही बैठे हुए हैं, वो भी 3 दिन से घर नहीं गए। नहीं, वो तो कल आए अंदर। वो कल घर से आए हैं, मतलब यहाँ से फिर घर चले गए थे, घर से फिर आए हैं। यहाँ थे ही नहीं वो, यहाँ थे ही नहीं, कल घर आए। कल आए घर पे भी पड़ी थी ना इनके। अच्छा, घर पे भी रेट पड़ी थी। घर पे कब पड़ी थी? उसी दिन उसी समय घर पे और 2 जगह इनके। 6 तारीख को ही सब जगह लगा, 4-5 जगह पड़ी थी। तो ये यहाँ पे अंदर कब से हैं मनीष अग्रवाल जी? कल आए, कल से दोपहर से वो भी अंदर आए। तो घर वाली रेट खत्म हो गई, वो चल रही है, खत्म हो गई जब वो ही यहाँ लेके आए थे। जिन भी लोगों के नाम लिस्ट में हैं वो अंदर हैं। ओनर, जो भी लोग कर्मचारी हेड हैं डिपार्टमेंट्स के, वो सभी अंदर हैं। किसी को भी बाहर आने की अनुमति नहीं है। इनके लिए खाना भी आ रहा है अंदर ही, सब लोग अंदर हैं। सारी चीज़ें बाहर से मंगाई जा रही हैं, पर किसी को बाहर आने की इजाज़त नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि जो रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर आरोप लगते रहे हैं या कहीं की कालिख लगती है कि रियल एस्टेट मार्केट में कालाबाजारी बहुत होती है, 2 नंबर के पैसे का बड़ा उपयोग होता है, कैश का लेन देन ज़्यादा होता है, उसको कम करने के लिए, कालाबाजारी को कम करने के लिए सरकार की ये एक पहल हो सकती है। सरकार ने अपना अब कड़ा शिकंजा लगाना शुरू कर दिया है इनके ऊपर, और इनकम टैक्स की रेट को उसी प्रकार से देखा जा सकता है। और भी बने रहिए हमारे रियल्टी मीडिया के साथ, और अपडेट्स के लिए हम बताएंगे आपको कि सरकार इसमें आगे और क्या कर रही है रियल्टी सेक्टर में से कालाबाजारी को बंद करने के लिए। राकेश सिंह की रिपोर्ट, कैमरा पर्सन शुभी गोयल के साथ, रियल्टी मीडिया के लिए।